हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि दिवाली आने वाली है, बहुत ही बड़ा हिंदू फेस्टिवल है ये और बहुत ही ज्यादा कैलोरीज और इसमें हम बहुत ही ज्यादा मिठाइयाँ खाते हैं। बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है तो ये साथ ही साथ जब ये आता है तो बहुत सारी कैलोरीज लेके आता है। अब जैसे कोई कोई जैसे इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ वेट लॉस, जैसे मैं खुद अभी एक वेट लॉस जर्नी में चल रही हूँ, तो इस पीरियड में कैसे हम वेट लॉस अपना मेंटेन रखें और साथ ही साथ हमें वेट गेन ना हो और हम अपना इतना बड़ा फेस्टिवल हम ठीक से इंजॉय भी कर सकें, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको ठीक से पता चले कि वेट लॉस जर्नी के दौरान अगर कोई फेस्टिवल आता है या कोई और ओकेजन आता है तो आप कैसे ध्यान रखें। जैसे कभी घर पे शादी आ जाती है या कुछ आ जाती है तो ये वीडियो उस टाइप की सिचुएशन के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला पॉइंट जो रहेगा कि हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी है। दैट मींस कि जो जैसे क्या होता है कि जैसे दिवाली हुई, अब घर में कुछ ना कुछ स्नैक्स बनते रहते हैं, तो हमें क्या करना है कि अगर ठीक है अगर स्नैक्स पड़े तो ये नहीं है कि हम हर वक्त वो स्नैक्स खाते रहेंगे कि अगर टेबल पर पड़ा है तो चलते फिरते फटाफट एक स्नैक उठा लो, कोई मठरी बनी है कुछ बना है, तो हमें अवॉइड करना है कि हम ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, जैसे स्वीट्स, कोशिश करिएगा कि आप घर के बने हुए स्वीट्स ही खाएं। अगर आप घर के बने हुए स्वीट्स खाएंगे तो सबसे पहली बात जो आपको उसे न्यूट्रिशन मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, वो आपकी बॉडी में कुछ भी तरीके का नुकसान नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी टाइप का स्वीट घर पे बनाते हैं तो आप एक तो उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ आप उसमें अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स डालते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जो सेकंड पॉइंट हमारा है वो ये हुआ कि आप कोशिश करिएगा कि होममेड स्वीट्स पे ही आप फोकस रखिए। आपको जो बनाना है, जैसे खाना है, वो आप कोशिश करिएगा कि आप होममेड स्वीट्स ही खाएं और ट्राई करिएगा कि उस स्वीट के हेल्दी वर्जन पे आप जाएं। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों के ना बहुत हेल्दी वर्जन होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हम उसे ऑथेंटिक उसी तरीके से बनाना है, हम उसको थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके हम उसको एक अच्छे ऑथेंटिक तरीके से बना सकते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि हमें अपनी कैलोरीज इनटेक का ध्यान रखना है। कैलोरीज इनटेक का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी 1500 से 1600 कैलोरीज खानी चाहिए अपने वेट लॉस के लिए। ठीक है, बट अब जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा खाऊंगी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने मॉर्निंग में अब मेरे घर पे कोई आया, मैंने उनके साथ स्नैक्स भी खा लिए, तो मेरे 200-300 कैलोरीज एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको अपना अब लंच, जैसे अब मॉर्निंग में खा लिया है मैंने, अब लंच मुझे कुछ इस तरीके से सोचना है कि वो मेरा कम कैलोरीज में रहे। मतलब अगर आपने मॉर्निंग में ज़्यादा कैलोरी खाई है तो आपका जो आफ्टरनून में जो लंच होगा वो कम कैलोरीज का होना चाहिए, वो ज़्यादा कैलोरीज का नहीं होगा या उन्हीं कैलोरीज का नहीं होना चाहिए जो आपको एक्चुअल खानी है, बिकॉज हमें ओवरऑल वो कैलोरी मेंटेन करनी है। अगर हम कैलोरी मेंटेन नहीं करेंगे बाय द एंड ऑफ वीक, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ 1 से 2 किलो वेट बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हम अपनी कैलोरीज इनटेक हम अपनी उसी अमाउंट में रखें, ना ज़्यादा करें ना कम करें। अगर हमें अपनी वेट लॉस रखना है तो सही से, अगर आप इवनिंग में कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि फिर आप डिनर आप लो रखिए, आप सूप लीजिए, आप स्मूदी लीजिए, आप सिर्फ दूध पीजिए, आप इस तरीके से उसको प्लान करिए थ्रू आउट द डे। चौथा जो पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको वेट लॉस जर्नी में हैं आप और आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, फेस्टिवल के दौरान या किसी भी इस टाइप के ओकेजन के दौरान वर्कआउट आप सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में करिए, क्योंकि इवनिंग तक हमारे इतने कमिटमेंट हो जाते हैं या हम कहीं बाहर चले जाते हैं या मन नहीं करता है कुछ करने का तो हम बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट निकालिए, मेरे 10 मिनट वाले भी वर्कआउट है, 15 मिनट वाले भी वर्कआउट है, 20 मिनट वाले भी हैं, या आप नॉर्मल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट मेरे फॉलो करिए,
और बस 5 से 10 मिनट आप मॉर्निंग में निकालिए और अपना वर्कआउट करिए। क्योंकि क्या है ना कि अब जब हमने इतनी मेहनत करी है वेट लॉस के लिए, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो फिर हम एक हफ्ते के लिए उसको क्यों खराब करें, राइट? तो इसलिए हम यही करेंगे कि आप मॉर्निंग में वर्कआउट करिए, ठीक है? वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पांचवी चीज जो है वो है पानी बहुत पीना है। कम से कम 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना ही है, क्योंकि आधी जो हमारा जो वेट की प्रॉब्लम होती है वो होती है बिकॉज ऑफ पानी, क्योंकि ज्यादातर लोग पानी ठीक से नहीं पीते हैं। तो हमें पानी पीना है, 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए। अगर आप पानी पियेंगे तो आपका पेट भी भरा रहेगा और आप फालतू की एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं खाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कैलोरीज किसी दिन एक्स्ट्रा हो जाती हैं, जैसे अब मैं पूरे दिन मैं बिजी रही, मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ मुझे बाहर जाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिवाली वाले दिन ही हम पूरे दिन कोई ना कोई घर पे आता रहता है, कोई बाहर जाता रहता है, तो हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ट्राई करिएगा कि नेक्स्ट डे आपको वो सारी कैलोरीज कट करनी है। रात को बैठिएगा, अपनी कैलोरीज ट्रैक करिए कि आप कितनी आपने खाई है, क्या आपने खाया, एक एक चीज आपको देखना है, और फिर उसके बाद वो आपको अगले दिन आपको माइनस करना है, क्योंकि हमें अपना वेट मेंटेन करना है। और कोशिश करिएगा कि आप थ्रू आउट द डे एक्टिव रहे। जो छठी चीज है वो है कि एक्टिवनेस, कि आपको बैठे नहीं रहना है कि नहीं आज तो दिवाली है या आज कोई फेस्टिवल है कि मैं तो आराम से आज घर पे बैठूंगा या बैठूंगी, तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें एक्टिव रहना है। ट्राई करिएगा कि 7,000 स्टेप्स एटलीस्ट आप करें एक दिन में और एक्टिव रहें अच्छे से, ताकि मतलब आपका जो वेट लॉस है वो अच्छे से हो सके ना। तो हमें ये करना है, ठीक है? ये चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, और अगर आप ये जो टिप्स हैं ये अगर आप फॉलो करते हो अच्छे से, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, एक तो आपका वेट गेन नहीं होगा और मे भी आपका वेट लूज हो जाए फेस्टिवल में। क्योंकि आप एक्टिव रहिए, घर का काम करिए, घर का खाना खाइए, कोशिश करिएगा कि जितना घर के खाने, घर की स्वीट्स और घर के काम से आप लगे रहेंगे, तो आप डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा, आप वेट गेन नहीं करेंगे, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं दिवाली से रिलेटेड और 3-4 वीडियोस मेरे प्लान में है, वो आपके बहुत काम में आने वाली है, तो ये वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई, और अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूंगी आपके सारे सजेशंस को पूरा करने का। और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम आईडी इज फिटनेस बाय दीपाली, एंड माई फेसबुक आईडी इज हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स बाय दीपाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड विश यू हैव अ ग्रेट फेस्टिव सीजन।